हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपने बार बार पूछा है कि क्या दो सब्जेक्ट से सीएसआर नेट निकाला जा सकता है और अगर ये पॉसिबल है तो कैसे। तो मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप दो सब्जेक्ट को पढ़ के नेट का पेपर देना चाहते हैं तो ये निकल भी सकता है और नहीं भी, यानी यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको मैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू आपको बताऊँगा। अगर आप इन पॉइंट्स को सुनेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि किस कंडीशन में आप दो सब्जेक्ट पढ़ के सिर्फ सीएसआर नेट निकाल सकते हैं और किस कंडीशन में आपके लिए मुश्किल होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखो, अगर आपको दो सब्जेक्ट से सीएसआर नेट निकालना है तो आपको दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रांग आने चाहिए। स्ट्रांग का मतलब कि आपका एक भी टॉपिक और एक भी चैप्टर बिल्कुल भी वीक नहीं होना चाहिए और आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। प्लस आपको एप्टीट्यूड भी आना चाहिए, तभी आपका सीएसआर नेट दो सब्जेक्ट से निकलेगा। पर अगर मैं आपको थोड़ा जनरल वे में बताऊँ तो इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर आप अगर फिर भी दो सब्जेक्ट से आप सोचते हैं कि आपका निकल सकता है तो कंडीशन ये है कि अगर आप कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ कम आती है, आप समझ सकते हैं कि नेट में डिफरेंट कैटेगरी की डिफरेंट कट ऑफ आती है, तो अगर आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ कम आती है तो वहाँ पे थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका दो सब्जेक्ट से सीएसआर नेट निकल सकता है। प्लस साथ में आपको एप्टीट्यूड भी करना पड़ेगा, ये बात ज़रूर याद रखें। अब प्लीज़ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट यहाँ पे करना चाहूँगा कि अब आप कमेंट में एक दूसरे को मतलब कुछ कहें ना, और ना कोई ऐसा कमेंट करे कि इस कैटेगरी में इतनी कट ऑफ आती है या मैं इस कैटेगरी में हूँ तो मैं फंस गया। प्लीज़ मैं ऐसे किसी भी कमेंट को एंटरटेन नहीं करना चाहता और ना मैं चाहता कि ऐसे कमेंट मेरे वीडियो में मिले। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे जनरल बात कह रहा हूँ कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी कट ऑफ थोड़ी पीछे आती है तो वहाँ पे थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है कि आप दो सब्जेक्ट से भी सीएसआर नेट निकाल सकते हैं। अब सेकंड चीज़ है, अगर आपको दो सब्जेक्ट से सीएसआर नेट निकालना है तो आपका एप्टीट्यूड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अब एप्टीट्यूड में मतलब आपके कम से कम 15-20 मार्क्स आने चाहिए, तब जाके आपकी पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि आप दो सब्जेक्ट से भी सीएसआर नेट या जेआरएफ भी आप निकाल पाएंगे। तो ये दो बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपका दो सब्जेक्ट से भी हो सकता है। अब आपको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इन दोनों कंडीशन में नहीं आते हैं तब तो आप प्लीज़ तीनों सब्जेक्ट पढ़ें, और तीनों ही आपको अगर एवरेज भी आते हैं तो आपके ज़्यादा चांस बन जाते हैं कि आपका सीएसआर नेट भी हो जाएगा और साथ में जेआरएफ भी। यहाँ पे आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ या एक ऐसा मेथड बताता हूँ जिससे आपको पढ़ने सिर्फ दो ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे और आपका नेट निकल भी जाएगा। मतलब आप ऐसा क्या करें कि आप दो सब्जेक्ट को ही अच्छे से पढ़ें और एप्टीट्यूड को देखें तो आपका नेट निकल जाए। तो मैं आपको कुछ बातें बोलूँगा, अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो मेरे को लगता है कि आप दो सब्जेक्ट से भी सीएसआर नेट निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप दो सब्जेक्ट तो पढ़ें पर सिर्फ ऑर्गेनिक का बेसिक्स भी देख लें, यानी अगर आप फिजिकल इनऑर्गेनिक को ले रहे हैं तो प्लीज़ आप ऑर्गेनिक का बेसिक्स भी देख लें, तभी जाके आपका दो सब्जेक्ट से निकलना पॉसिबल है। अब आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि आप फिजिकल और ऑर्गेनिक को दो सब्जेक्ट लें और इनऑर्गेनिक को छोड़ दें, या इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को दो सब्जेक्ट लें और फिजिकल को छोड़ दें। अगर आपने दो सब्जेक्ट गलत चुन लिए तो आपका सीएसआर नेट निकलना मुश्किल होगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये एडवाइस करूँगा पहले पॉइंट में कि आपको जो दो सब्जेक्ट लेने वो इनऑर्गेनिक और फिजिकल लेने, और प्लस आपका ऑर्गेनिक का बेसिक्स थोड़ा क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स का मतलब है आपको जीओसी के क्वेश्चन करने आने चाहिए और एरोमेटिसिटी के जो क्वेश्चन आते हैं वो आने चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक में 8-10 मार्क्स भी अगर ले लेते हैं तो मुझे लगता है तब आपके पॉसिबिलिटीज़ है कि सीएसआर नेट आपसे निकल जाएगा। अब सेकंड है, जब आपने ये सोच ही लिया है कि आप दो सब्जेक्ट से जाएंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ें और सारे चैप्टर को पढ़ें। मतलब अब आप ये ना करें कि आपने दो सब्जेक्ट चुने उसमें से भी आप स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ के जाएँ। मतलब ऐसा ना हो कि आप क्वांटम छोड़ दें या कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी छोड़ दें और आप ये सोचें कि सर मुझे ये हार्ड लग रहा है तो अब मैं ये नहीं पढ़ूंगा, तो मुझे लगता है तब आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी।
मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि अगर आप दो सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको फुल चैप्टर रीडिंग करनी है और सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। इनफैक्ट आपको इनऑर्गेनिक के रिएक्शन भी आनी चाहिए, ये जितना आपसे हो सके। थर्ड, आप फिजिकल के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपकी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कई बच्चे हैं जो बायो से बिलोंग करते हैं, अब वो कहते हैं हमारे फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा अगर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है और साथ में आप दो सब्जेक्ट के साथ जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल और असाइनमेंट बहुत अच्छे से करें और वो आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। फोर्थ, आपको एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस भी करनी है और एप्टीट्यूड में आपके कम से कम 15 मार्क्स आने चाहिए, तभी आपकी श्योरिटी बनेगी कि आपका CSIR नेट होगा। तो यानी आप रोज 1 घंटे एप्टीट्यूड को भी जरूर दें। लास्ट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें और चैप्टर वाइज अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए तो वो आपके लिए सबसे बेटर होगा, कि अगर आप दो सब्जेक्ट के साथ जाते हैं तो आप पूरे पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप ऐसा प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन लें या प्रीवियस ईयर बुक लें जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो, या आप किसी कोचिंग के असाइनमेंट कर सकते हैं उसमें चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप प्लीज़ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आप हर टॉपिक में स्ट्रांग हो जाएं, जिन भी दो सब्जेक्ट को आप ले रहे हैं। उन 3 बातें जो आप पेपर के लिए ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट, एक तो आप जब पेपर देंगे तो प्लीज़ आप नेगेटिव मार्किंग अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आप पहले ही बहुत कम पढ़ के जाएंगे और उसी से पेपर देने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कीजिएगा। और सेकेंड, अपने टाइम को ऐसे यूटिलाइज कीजिएगा कि आपको एप्टीट्यूड के लिए भी पूरा टाइम मिले और उसमें भी आप 12 to 15 मार्क्स ला पाएँ। थर्ड चीज़, आप ये जरूर याद रखना कि आपको ऑर्गेनिक के क्वेश्चन भी जरूर देखने और 8 to 10 मार्क्स तो उनमें लाने की कोशिश करना। मतलब आप सिंपल क्वेश्चन जरूर कर लेना, ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक के ही क्वेश्चन देखें और सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करें और उस चक्कर में आप ऑर्गेनिक का कुछ भी ना देखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 15 to 20 मार्क्स का पेपर दूसरे सब्जेक्ट का भी आसान मिल जाता है और वो इतना आसान होता है कि आपके बेसिक से भी सिर्फ वो पेपर सॉल्व हो सकता है। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। तो आई होप मैंने आपका अब ये डाउट क्लियर कर दिया होगा कि आप दो सब्जेक्ट से CSIR नेट निकाल सकते हैं या नहीं, और निकाल सकते हैं तो किस स्ट्रेटेजी से आप इसे निकालेंगे। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।